राधे राधे मित्रों मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि वेंकटेश भार्गवी से मिलकर जाने लगता है तो भार्गवी को अच्छा नहीं लगने लगता है और कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे श्रीनिवास मुझे छोड़कर जाने लगा था। हे नारायण, मेरी सहायता कीजिए, ये भावनाओं को समझने में मेरी सहायता कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी मोर पंख उसके हाथों में आ जाती है और भार्गवी पिछले दिनों की यादों में हो जाती है। फिर भार्गवी वेंकटेश को चिल्लाती है और कहती है कि रुक जाओ वेंकटेश। तभी वेंकटेश रुक जाता है। फिर भार्गवी कहती है कि मुझे ज्ञात हो गया है कि हमारे मध्य क्या संबंध है, आप मेरे लिए केवल मेरे मित्र या शुभ चिंतक नहीं हैं, हमारे संबंध तो प्रेम का है। इसलिए जब मैं आपको जाते हुए देख रही थी तो मेरा मन अशांत हो गया, क्योंकि जो आपने मुझे ये मोरपंख दिया था ना, ये हमारे संबंध का संकेत है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती हैं कि नारायण ने कितने सुंदरता से भार्गवी को उसकी मन की बात समझाई, उसके मन ने प्रेम से उसका परिचय कराया। फिर महादेव कहते हैं कि ये तो इनके लीला का एक भाग है। गौरी लक्ष्मी नारायण के कर्पूर की अद्भुत लीला तो अभी आरंभ भी नहीं हुआ है। गौरी धैर्य रखो गौरी और देखते जाओ, इन दोनों की प्रेम लीला कबीरपुर में ऐसी छाप छोड़ेगी कि इस संसार में युगों युगों तक याद रखेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं कि आपको मुझसे प्रेम है किंतु मेरा तो पहले से ही विवाह हो चुका है, भार्गवी मेरी पत्नी भार्या है। तो भार्गवी कहती है कि मुझे ज्ञात है कि आपका विवाह हो चुका है, किंतु सत्य कहूँ तो इस क्षण से पूर्व मुझे भी ज्ञात नहीं था कि ये कैसी भाव है आपके प्रति मेरे मन में। तो वेंकटेश कहता है कि आप तो श्रीनिवास से प्रेम करते हैं, फिर आपको मुझसे प्रेम कैसे। तो भार्गवी कहती है कि मैं एक मंदिर में कथा सुनी थी श्री कृष्ण के विषय में। पंडित जी ने कहा था कि श्री कृष्ण अपने सभी पत्नियों और अपने गोपियों से इसलिए प्रेम कर पाए क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करते हैं, और वो यदि स्वयं से प्रेम ना करते तो वो कैसे अपने सभी पत्नियों और गोपियों से प्रेम कर पाते, उनके मन में बातों का समझ पाते। आज मुझे इस बात का भावार्थ समझ में आया है वेंकटेश, यदि मैं किसी से प्रेम करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और से प्रेम नहीं कर सकता हूँ। प्रेम तो एक भाव है जो किसी के भी प्रति हो सकता है। श्रीनिवास का तो विवाह हो चुका है किंतु मुझे उससे प्रेम है, उसी प्रकार आपके प्रति भी प्रेम मेरे मन में जागृत हुआ है, और आपके प्रति ये प्रेम जो जागृत हुआ है ये तो मित्रता का भी हो सकता है ना। श्रीनिवास ने मुझे स्वयं से प्रेम कराना सिखाया है, वो आज यहाँ नहीं है फिर भी मुझे उतना पीड़ा नहीं हो रहा है। आज इतने समय पश्चात अपने लिए प्रेम अनुभव कर रहा हूँ और यही कारण है कि आज मैं अपने प्रति प्रेम को देख पा रहा हूँ जो आपसे है, श्रीनिवास से है। तो वेंकटेश भार्गवी से कहता है कि आपकी ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हमारा मिलना ये सब नियति था। तो भार्गवी कहती है कि मुझे भी यही लगता है वेंकटेश, और वैसे भी मैं कल कबीरपुर छोड़कर जा रही हूँ। तो वेंकटेश कहता है कि अच्छा, कल आप कबीरपुर छोड़कर जा रही हैं, मैं भी वैसे जाने वाला था, तो एक कार्य करते हैं कि हम साथ में जाते हैं ना। मैं भार्या को भी सूचित कर देता हूँ कि
फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कुमार वासु सोया हुआ होते हैं और भार्या परेशान रहती है और कहती है कि जो श्रीनिवास कार्य करने के लिए कहा था वो कैसे पूरा होगा, इसे जगाना होगा। और इसे जगाने का अर्थ है कि स्वयं को संकट में डालना। मुझे ऐसा मार्ग खोजना होगा जिससे ये जग भी जाए और मेरे प्राण संकट में ना जाए। फिर भार्या कुमार वासु को पानी छिड़ककर जगाते हैं और रोने का बहाना करते हैं। तभी वासु भार्या से कहता है कि क्या हुआ भार्या, क्यों रो रही हो। तो भार्या कहती है कि मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, किंतु जब तक मेरे पति वेंकटेश और वो श्रीनिवास जीवित हैं हम कभी भी सुख से जीने नहीं देंगे। तो वासु कहता है कि तुम इतना चिंतित क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरा रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी भार्या कहती है कि यदि आप चाहते हैं कि हम एक साथ एक सुखी जीवन जिए तो आपको मेरा एक काम करना होगा। तो वासु कहता है कि हाँ माँ भार्या, तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो भार्या कहती है कि तुम वेंकटेश और श्रीनिवास का वध कर दो, क्योंकि जब तक ये दोनों जीवित हैं हम कभी भी सुखी जीवन व्यतीत कर नहीं पाएंगे। तो वासु कहता है कि तुम तो मेरा मन का बात बोल दी, मैं भी यही सोच रहा था, किंतु संकोच में था कि तुम क्या कहोगी, परंतु ये काम कैसे हो पाएगा। तभी भार्या वासु को कुलासुर के बारे में बताता है और कहता है कि मैं सुना हूँ कि ये कुलासुर यहीं कहीं पर तपस्या कर रहा है और वह बहुत ही शक्तिशाली असुर है। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्गवी वेंकटेश को धन्यवाद देता है और कहता है कि कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो वेंकटेश कहता है कि ठीक है, कल सुबह आपसे भेंट करते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। फिर आप आगे देखेंगे कि भार्गवी के स्वप्न में श्रीनिवास आता है और कहता है कि प्रतियोगिता के दिन तुमसे मिल नहीं पाया था, इसलिए इस क्षण मिलने आया हूँ, मुझे क्षमा करना, किंतु कल अंतिम बार के लिए मेरा प्रतीक्षा करना। फिर सुबह हो जाता है और वेंकटेश आता है और भार्गवी से कहता है कि चले अब, भार्या को थोड़ा समय लगेगा तो हम निकले, भार्या बाद में आ जाएगी। तो भार्गवी मना करते हुए कहती है कि क्षमा करें वेंकटेश, किंतु कुछ समय पश्चात में निकल सकते हैं क्या, भार्या को भी साथ ले लेंगे, भार्या को भी अच्छा लगेगा। फिर आप आगे देखेंगे कि गौरी महादेव से कहते हैं कि नारायण एक साथ में दो रूप में कैसे हो सकते हैं, इधर वेंकटेश के रूप में और उधर श्रीनिवास के रूप में हैं, नारायण अब क्या करने वाले हैं। तो महादेव कहते हैं कि ये तो मैं भी देखने के लिए उत्सुकता हूँ कि मेरे आराध्य अब क्या करने वाले हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि पद्मावती श्रीनिवास से कहती है कि आपकी साधना संपन्न हो गई हो तो हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करें। तो श्रीनिवास कहते हैं कि साधना तो संपन्न हो गई है, किंतु साधना करते वक्त मुझे आभास हुआ है कि कोई विशेष व्यक्ति का आगमन होने वाला है हमसे भेंट करने के लिए पद्मावती। तो पद्मावती कहती है कि कौन यहाँ आने वाला है। तो श्रीनिवास कहते हैं कि आपके पिता श्री पद्मावती। तभी सेविका आती है और कहती है कि क्षमा चाहती हूँ, किंतु अभी अभी सूचना मिली है कि राजा आकाश यहाँ आ रहे हैं। फिर पद्मावती अपने पिता के स्वागत में चल जाती है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और
अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्द आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।